पापा प्लीज ना आज मुझसे बात कर लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप दो दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे हो ना, प्लीज। अच्छा एक काम करो, दो फटके लगा दो और फिर बात कर लो ना। प्लीज अभी एक है ना बहुत जबरदस्त सीन हुआ है, ये देखो। क्या है ये देखो, यहाँ से चिक्कू ने सुसु कर दिया। टी शर्ट पे गिला हो गया क्या पीछे से? हाँ गिला हो गया। ये क्या, ये गिला हो गया? ये क्या है, ये कहाँ सोए वाला है वो? ये यहाँ पे सोए वाला है, यहाँ पे सुसु कर दी इसने। देखो यहाँ सोए वाला है और यहाँ पे उसको ना हमेशा ढक के रखा करो उसको। कितने दूर सुसु कर दी उसने, अभी हम गिनेंगे कितनी दूर सुसु की। 5.5 फुट दूर कोई सुसु करता गया पड़े पड़े बेड पे। चिक्कू कुछ लग रहा है तेरे को? तूने क्या कर दिया, क्या हो गया तेरे को? तुझको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे है ना मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने एक चैलेंज दिया है कि आज मुझे है ना 24 आवर्स सिर्फ आइसक्रीम खानी है, तो मैं ये चैलेंज कंप्लीट करूंगी क्योंकि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो सुन मैं एक काम करना, जाके इडली सांभर और वड़ा सांभर लेके बोला जा, बोला जा जल्दी से। नहीं मैं नहीं जा रही, मुझे वीडियो बनाना है। पापा को गुस्सा है क्या? Oh no! हाँ पापा को गुस्सा है। पापा दो मैं लेके आती हूँ, पापा दो ना, पापा पैसे दो ना, मैं लेके आती हूँ ना। नहीं 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 तुम घर में बैठो, तुम दो ना वीडियो बनाते बैठो, मैं मेरा 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 जाके लेके। पापा दो ना पैसे, मैं लेके आती हूँ ना, अब भी जाके लेके आती हूँ, दो पैसे। मैं ला लेता मेरा मेरा। दो ना पापा पैसे, दो मैं लेके आती हूँ। कहाँ पैसे, आप कहाँ जाओगे पैदल, दो ना। देखो पापा गुस्सा होकर चले गए अभी मेरे से। ये जो मना किया था ना ये मैंने नहीं किया था, मुझे है ना मम्मी ने बोला था, मम्मी ने ऑर्डर दिए थे कि है ना पापा अगर बाहर से कुछ भी पार्सल मंगवाते हैं तो उनको है ना कुछ भी बहाना मार के मना कर देना है, क्योंकि है ना पापा बाहर का भी बहुत ही खा रहे हैं। अभी देखो परसों ही पापा ने है ना समोसा खाया था, फिर कल ही डोसा मंगवाया था। मतलब पापा ऐसे नॉर्मली नहीं खाते, समोसा लाते हैं 4-5 समोसा है ना चटनी में चूरेंगे और मस्त दबा के खाएंगे। और आपको तो पता ही है कि बाहर का पापा खाते हैं तो फिर पापा की तबीयत खराब हो जाती है। अब भी एक महीना पहले तो पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, अभी इसमें पिस कौन रहा है आप बताओ। मम्मी की बात भी एक जगह सही है और पापा किस से रूट के चले गए, पापा मेरे से रूट के चले गए। पता है क्या पापा कहाँ गए? वड़ा सांभर और इडली सांभर लाने के लिए। तूने उनको बताया नहीं क्या घर में खाना बनाया? मैंने उनको बहाना बोल के मना कर दिया था कि मैं नहीं जा रही, लेकिन पापा को गुस्से में चले गए मास्क वास्क पहन के लाने के लिए, वड़ा सांभर और इडली सांभर। तुझे मालूम है ना पापा की तबीयत खराब होती, मैंने मना किया था ना बाहर का, तो मैंने मना किया, मेरे से गुस्सा होके चले गए पापा। एक मिनट इसको देखो, कुछ मुँह खोल के खेल रही है। तो देखा ना आपने कि पापा कितने नाराज है मुझसे। मतलब रोज मैं खाना परोसती हूँ पापा को, लेकिन आज पापा ने मम्मी को बोला है खाना परोसने के लिए। पता नहीं पापा कितने दिन नाराज रहने वाले अभी मुझसे। अभी आप ही देखो ये खाना खिलाते हैं हम पापा को, आप बताओ अभी पापा ने बाहर का खाना खाना चाहिए या फिर ये घर का? तो अभी आइसक्रीम चैलेंज कंप्लीट करने के लिए है ना मुझे 300 रुपीज़ चाहिए, क्योंकि मैं ओनली 300 रुपीज़ की आइसक्रीम लाने वाली हूँ। तो अभी तो पापा मुझसे बात नहीं कर रहे, पापा मुझसे नाराज़ है ना आपने देखा। तो अभी मैं पापा से आइसक्रीम के लिए 300 रुपीज़ मांगूंगी ना, तो देखना पापा क्या बोलेंगे। वैसे तो मुझसे बात नहीं करेंगे, देखो क्या बोलते हैं। पापा पापा सुनो ना, पापा सुनो ना, मुझे 300 रुपीज़ चाहिए थे पापा। क्या हुआ? क्या? इसको देख बोला क्या चाहिए क्या है, इसको दे बोला क्या, उसको क्या मांग रहे क्या है, दे उसको।
देखा ना अपने पापा अगर नाराज हो जाते हैं तो किसी से बात ही नहीं करते हैं। पापा की आदत ही वैसे जल्दी नहीं मानते, मनाना पड़ता है। बहुत मनाना पड़ता है तब जाके कहीं थोड़ा सा मान जाते हैं पापा। मम्मा मेरे को 300 दो ना। इसलिए मेरे को ना आइसक्रीम लानी है थोड़ी सी। ठीक है जा पर्स में से। थैंक यू। मैं लेके आती हूँ। मैं जा रही हूँ अभी आइसक्रीम लाने के लिए। वैसे है ना हमारी है ना 11 बजे तक ही मतलब दुकान वगैरह सब कुछ खुली होती है। आइसक्रीम की शॉप पे आ चुकी है। चलो अभी जाके अंदर आइसक्रीम खरीदते हैं। अच्छा हुआ ये आइसक्रीम की शॉप चालू है। मुझे ना फोन चाहिए वो 20 वाले 25 का। ठीक है मुझे ना अलग अलग फ्लेवर के चाहिए। नहीं अलग फ्लेवर के अलग अलग रेट चाहिए। जो है ना ये मेरे को 6 दे दो। और ये 3 6 6 हो गए। हाँ चोको बार 15 वाला कितना? 5 दे दो 15 वाले। लस्सी दे दो तुम। कितना? 3 लस्सी। फाइनली मैंने आइसक्रीम ले ली। ये देखो अच्छा हुआ यार ये दुकान चालू था। अभी है ना 10:30 तो बज चुके हैं। अभी मुझे जल्दी से घर पे जाना पड़ेगा। और एक बात है हमारे जो घर का फ्रिज है वो है ना खराब है। मतलब है ना वो ठीक से चलता नहीं। उसमें ना मेल्ट हो जाती है आइसक्रीम वगैरह जो भी रखो तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं आ गई आइसक्रीम लेके। अब मैंने जितनी भी आइसक्रीम लाया ना मैं ये फ्रीजर में रख देती हूँ नहीं तो मेल्ट हो जाएगी ऐसी। अभी बज रहे ऑलमोस्ट 11:30 तो मैं ना अपने दिन की पहली आइसक्रीम खाती हूँ। तूने कैसे देख लिया? लेकिन क्यों देखा तूने झाक के? इसमें पिघल गई सब। ये तू रहने देना। लेकिन चलो ये है ना थोड़ी सी पिघल गई है क्योंकि मैंने आपको बोला था ना मेरा फ्रिज वगैरह वो खराब है। तो अरे 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 पिघल गई रे बाबा। पूरी पिघल गई है। तो पिघली हुई आइसक्रीम खानी पड़ेगी। और नो अच्छा से खाएंगी आइसक्रीम चुरा के भागती आइसक्रीम चोर कही की। आप भी खाओ पिघली हुई आइसक्रीम। ऐसे लग रहा है मैं आइसक्रीम खानी पी रही हूँ। ये देखो मेरी आइसक्रीम का क्या हाल हो गया। अच्छा हुआ यार ये जो कोन के नीचे एकदम ये चॉकलेट नहीं मिलता है वो तो नहीं पिघला हुआ। उसको खाने में तो मजा आएगा नहीं तो मेरी आइसक्रीम पूरी वेस्ट हो गई। अभी है ना मेरी लाइव स्ट्रीम का टाइम हो चुका है। ये देखो आप जानना चाहते हो मैं लाइव स्ट्रीम कैसे स्टार्ट करती हूँ? एक मिनट है पहले मैं स्टार्ट कर दूँ लाइव स्ट्रीम। 5 4 3 2 1 गो। हाय फ्रेंड्स वेलकम टू द स्ट्रीम केम टू मजामा। कैसे हो आप सब लोग? तो मैं आ गई। बताओ बताओ कैसे हो सब लोग? तो अभी है ना 3 बज चुके हैं और रोज लाइव स्ट्रीम करते करते है ना मैं 3 बजे दूध पीती हूँ। लेकिन आज तो दूध अलाउड नहीं है ना तो मैंने एक चोकोबार लेके आई हूँ तो मैं इसको फटाफट खा लेती हूँ। इनसे पूछती हूँ खाना है क्या। हेलो आप सब में से किसी को आइसक्रीम खानी है चोकोबार? बताओ जल्दी। मैं तो खा रही हूँ रुको 2 मिनट करेंगे फिर हम मैं स्टार्ट। और अभी है ना मेरे को बहुत भूख लग रही है। अभी आइसक्रीम खाने के टाइम है। वो क्या है ना आइसक्रीम है ना बहुत फटाफट पच जाती है तो बार बार भूख लगती है आइसक्रीम खाओ तो। ठीक है अभी देखो पी दी। क्या हुआ? बाहर बारिश चल रही है। सच में? चल भी क्या आते हैं बाहर बारिश चल रही है। रुको मैं आपको भी मौसम दिखाती हूँ। चल 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 जल्दी से ऊपर जाएंगे हम। ऊपर 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 पहली बारिश आई है ना भीगेंगे हम मिलके। चलो 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 चलो। ये देखो मेरी नानी क्या बोल रही है। पहली बारिश 7 जून को आती है। ये तो बीमार होने वाली बारिश है। ए शांत बैठ। मौसम तो बढ़िया है ना बच्चे? मौसम कितना बढ़िया हो रखा है। उतर नीचे उतर बीमार पड़ने का जा। चल ले ये इसी ने बोला चल ऊपर। मैंने चल। नहीं बोला। चल 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 डांट वाट पड़ेगी। और आपने मुझसे सुबह से बात नहीं की अब तो कर लो मुझसे बात। नहीं नहीं क्या जरूरत क्या है पापा की? हाँ जब माँ बाप का काम ही नहीं सुनने का है तो क्या जरूरत क्या है? पापा सॉरी। क्या जरूरत है बात करने की?
बेबी आ गया ना तो अब ये मेरा काम करेगा, भाग भाग के दुकान पे जाएगा, होटल में जाएगा, जो चाहिए वो सब ला के देगा खाने। मम्मी आप समझाओ ना पापा को, आपने ही मना किया था ना, कुछ भी बहाना मार के पापा को मना कर दे। वो उसका वो अलग काम है, तेरा काम है मेरी बात सुनना। मैंने बोला लेके आ, तू जाने का लेके आने का। ठीक है ना, कैसे लेके आऊंगी, मम्मा नहीं भी बोलेगी ना फिर भी नहीं मानूंगी, अभी मैं पापा की बात ही मानूंगी। कोई कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कुछ मत मानो, मैं मेरा अपना काम कर लूँगा, कोई जरूरत नहीं मेरे को बोलने की किसी को भी। मेरे हाथ पर सलामत है, मैं जाऊँगा मेरा मेरा लेके आऊँगा जो भी लाने का है। तो चिक्कू भी बोल रहा कि पापा दीदी से बात कर लो, वो बोलेगा ना उसके मुँह से तब बात करेंगे। क्या है मुँह से बोल बाबा, वो कहाँ से बोल रहा। ये कहाँ से सिग्नल दिया तुमने बात करने का? सिग्नल नहीं दिया, अब तो चिक्कू ने भी बोल दिया पापा बात करो, लेकिन मुँह से नहीं बोला उसने। अभी है ना डिनर का टाइम हो चुका है और मम्मी और पापा डिनर कर रहे हैं, और देखो मैं ना आइसक्रीम खा रही हूँ। अभी मेरे पास है ना ये डिब्बे वाली जो आइसक्रीम है ना, ये तीन ही आइसक्रीम बची हुई है, ये देखो लास्ट थ्री आइसक्रीम है, तो ये मैं ना तीनों खा लेती हूँ, तो फिर है ना मेरा पेट ऐसे फुल रहेगा। ये लो खानी है, कप में इतनी सी आइसक्रीम आती है, आप देख रहे हो ना इतनी सी आइसक्रीम है, और उसमें भी ये एक लेके चला गया। अभी मेरे पास सिर्फ दो ही आइसक्रीम बची है यार, अगर रात में मुझे भूख लग गई तो मैंने दो आइसक्रीम खा ली है, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। आइसक्रीम में ना एक गिलास दूध जितनी एनर्जी भी नहीं होती है, अगर ये मेरी आइसक्रीम नहीं लेके गया होता ना तो मुझे इतनी भूख भी नहीं लगती, लेकिन देखो ना ये मेरी आइसक्रीम लेके गया तो इतनी भूख लग रही है अभी मुझे। मैं किचन में से जाके कुछ खा के आ जाऊँ क्या? लेकिन नहीं यार, फिर तो फिर मेरा चैलेंज भी टूट जाएगा ना, लेकिन भूख भी बहुत लगी है। ये देखो यार पापा, आज दिन भर पापा ने मुझसे बात नहीं की। कोई बात नहीं, मैं पापा को कल मना लूँगी कुछ भी करके। मैं जाऊँ क्या? नहीं जाने दो यार, मेरा चैलेंज टूट जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा रहेगा। 9 बजे मेरा चैलेंज स्टार्ट हुआ था, तो आज 9 बजे के बाद में ना मैं खाना खा सकती हूँ, तो मैंने सोचा खाना खाने से पहले ना मैं थोड़ा सा वार्म अप कर लूँ, और आज है ना मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं ना पापा को मना लूँ, और अगर आज पापा ने मुझसे बात नहीं की ना तो मैं फिर खाना ही नहीं खाऊंगी। टूट गया पापा, पापा मुझसे बात करो ना पापा, पापा अच्छे काम करो, गुस्सा कर दो, लेकिन बात ऐसे बंद करना मत करो ना, बात करो मुझसे, फटके लगा दो फिर बात करो प्लीज ना पापा, पापा तेरे को जरूरत नहीं है ना माँ बाप की, जरूरत नहीं है ना तेरे को, नहीं ना ऐसे कुछ नहीं है पापा। ये भी रो रहा, तू भी रो रही, हाँ बात करो ना फिर मुझसे, माँ बाप का काम सुनना पड़ता, सब सुनना पड़ता, ऐसे उल्टी बात नहीं किया जाती मालूम क्या? ठीक है, मैं सॉरी ना। हाँ।